हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम नियोलिथिक साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी वीडियो डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग मैप बेस्ड क्वेश्चन, आप लोगों ने बहुत सराहा है उसके, सो उसके लिए थैंक यू। तो जितने भी वीडियो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो ये जो सीरीज है पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो यूपीएससी में स्पेशली जो पेपर वन में पूछे जाते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन, या फिर अलग अलग आज के जो अलग अलग स्टेट्स के जो PCS में भी पूछे जाते हैं हिस्ट्री ऑप्शन में, तो ये सीरीज आपको बहुत मदद करेगी। इसके अलावा पिछले 20 साल के UPSC में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबको सोल्व किया गया है यहाँ पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ इससे पहले पैलियोलिथिक मेसोलिथिक डिस्कस कर लिया, तो उसके बाद जो आता है नियोलिथिक। तो काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं, आपको जो भी लोग थे उस जमाने में उन लोगों की लाइफस्टाइल, उनके सेटलमेंट में काफ़ी कुछ एडवांसमेंट्स देखने को मिल सकती है ग्रेजुअली। तो यहाँ पे उनके नियोलिथिक एज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करें। तो मेनली देखिए कि ये जो टॉपिक्स है आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में डिटेल्स में वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अगर जो बुक्स मैंने ई बुक के बारे में मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नियोलिथिक एज में मेनली टूल्स और वेपन्स में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले थे। यहाँ पे माइक्रोलिथिक ब्लेड्स उसको यूज़ किया गया था, और जो भी यहाँ पे टूल्स थी मेड ऑफ उसको जो है पॉलिश्ड तरीके से स्टोन्स को चेंज करके बनाया गया था। तो मेनली जो नियोलिथिक एज में जो लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने फ्रूट्स और अलग अलग जो यहाँ पे क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया था। तो रागी और हॉर्स ग्राम जो है यहाँ पे बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे कैटल, शेप और गोट्स को डोमेस्टिकेटेड भी की गई थी यहाँ पे। पॉटरी का इस्तेमाल जो है नियोलिथिक एज से लगभग शुरू हो गया था। मेनली देखिए कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़ी, लोगों को यहाँ पे अपने जो फूड है उसको स्टोर करने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ी थी, तो डेफिनेटली जो पॉटरी का यूज़ होने लगा, और उसमें जो है खाना को फायर स्टार्ट हो गया था, खाना को वहाँ पे पकाते थे, वहाँ पे खाते हुए थे। तो हाउसिंग एंड सेटल लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था यहाँ पे। रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर हाउसेस में रहते थे, जो ज़्यादातर जो मड या फिर रीड से बनाया जाता था। तो नियोलिथिक साइट्स को अगर हम भारत के मैप में, जो भी इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स यूपीएससी या अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला जो है कोल्डी हवा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा इस जगह में आपको दिख जाएगी। दूसरा जो है बुर्जा होम, जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर वैली में आपको दिख जाएगी। हल्लूर जो है यहाँ पे आपको कर्नाटका, इस जगह पे हल्लूर, मैप के लोकेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। चौथा जो है दाउजाली हदिंग, ये जो है आसाम में पाए जाते हैं, एक नियोलिथिक साइट। देन पांच नंबर जो है कुचाय, ये कुचाय जो है यहाँ पे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर लाइन पे आपको देखने को मिल सकता है। बवाली जो है, बवाली आपको जो है केरल के जगह पे देखने को मिलेगा। फिर भी आप इसको मैप में ध्यान से फिर से देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही आसपास के दो साइट्स को आपको पूछा जा सकता है सेम कैटेगरी में। तो क्योंकि अभी यूपीएससी कैटेगरी बेस के हिसाब से पूछना शुरू कर दिया है, तो आपको साइट की जो एक्यूरेट लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्दर्न केरला में है या फिर जो कोस्टल एरियाज में है या फिर मिडिल साइड में है या फिर साउदर्न साइड में है। मैप में एक्यूरेट लोकेशन पता करना काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपने उसको ध्यान से नहीं देखा होगा। तो एक्यूरेट लोकेशन के लिए यहाँ पे गूगल मैप का सहारा लिया है मैंने। सात नंबर जो है चिरनाद, आप देख सकते हैं बिहार में। आठ नंबर जो है उतनूर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तेलंगाना और महाराष्ट्र इस एरिया में आपको दिख सकता है। सारू तारू जो है आपको आसाम में यहाँ पे दिख जाएगी।
तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा एक्चुअली इस साइट के बारे में पूछा गया था 2020 और 2009 में। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, लोकेटेड है ये जो बेलन रिवर है नियर जो देवगढ़ विलेज में ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और एक नियोलिथिक साइट ज्यादातर देखने को मिलते हैं, महागरा। तो बहुत ही कम नियोलिथिक साइट है। तो कोल्डी हवा और महागरा ये जो ओपोजिट बैंक में है ऑफ बिलन रिवर, तो याद रखेगा महागरा। और ये जो है एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है जहां पे लोगों ने राइस यानी चावल भी उगाना शुरू कर दिया था कोल्डी हवा। तो आज का जो कोल्डी हवा दिखने में कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको। नेक जो है बुर्जा होम, देखिए तीन बार पूछा गया है इसको, 2019, 2017 और 2015 में। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है लोकेटेड है कश्मीर वैली पे। तो मेनली यहाँ पे अलग अलग फेजेस जो है कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखा गया है, जो 3000 BC से लेके 1000 BC तक काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पीरियड वन और पीरियड टू रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे नियोलिथिक एरा को, पीरियड थ्री जो है मेगालिथिक एरा। जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैसिव स्टोन्स या फिर विल टर्न रेड पॉटरी उसका इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे। पीरियड फोर में यहाँ पे हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि पोस्ट मेगालिथिक पीरियड में उसको मेंशन किया जाता है। तो बुर्जा हम में ये तीनों ही चारों ही सॉरी पीरियड देखने को मिलते हैं। तो आज का जो बुर्जा हम आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको दिखेगी, सॉरी बुर्जा हम ऑलरेडी हो गया यहाँ पे। तो हल्लूर, ये एक्चुअली हल्लूर होना चाहिए था, मैंने गलती से इसको बुर्जा हम लिख दिया, सॉरी फॉर डेट। तो हल्लूर जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हवेली डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। तो साउथ इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट आयरन एज साइट है, जो साउथ इंडिया का सेमी एरिड जो रीजन है यहाँ पे लोकेटेड है, इन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तो ये जो है लगभग इसका जो माउंड है लगभग 6.4 मीटर इसकी हाइट है। 30 वर्ड में लिखने होंगे, मेन इंपॉर्टेंट बातें भी आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो बुर्जा सॉरी हल्लूर जो है यहाँ पे, मैं गलती से बुर्जा हम लिख दिया था, काफी इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे तीन बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ये दिखने में कुछ ऐसे दिखेंगे। नेक जो है दाओजाली हादिंग। तो दाओजाली हादिंग एक नियोलिथिक साइट है जो दीमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में पाए जाते हैं, जो लगभग 1000 फीट अबोव द सी लेवल है। और अभी भी लगभग अगर देखा जाए 2700 साल बाद भी ये अभी भी प्रेजेंट है। तो काफी यहाँ पे कॉर्ड मार्क पॉटरी या फिर अलग अलग शोल्डर चेल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कॉर्ड मार्क पॉटरी जो है एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे दाओजाली हादिंग। और इसके अलावा यहाँ पे सारू तारू जो आसाम में ही है, यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं जो इंडियन नियोलिथिक साइट के जो कल्चरल है यहाँ पे ईस्ट और साउथ ईस्ट जो कल्चरल इन्फ्लुएंस को दिखाती है। सारू तारू भी आसाम में ही पाए जाते हैं। तो ये जो बुक है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया है, ई बुक है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको थैंक यू, आप लोगों ने बहुत इसको पसंद किया भी है। तो इस बुक को प्लीज़ खरीदिएगा, 300 से ज़्यादा साइट्स के बारे में और 40 से ज़्यादा मैक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, पूरे 20 साल के यूपीएससी जो आंसर्स यहाँ पे डिटेल में विद एनालिसिस सोल्व किया गया है यहाँ पे। और हर चैप्टर के बारे में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे बिगिनिंग में यहाँ पे लिखा गया है, तो डेफिनेटली उस चैप्टर के बारे में आपको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। नेक जो है कूचाई। तो कूचाई ये जो है एक प्री हिस्ट्रिक साइट है, जो कूचाई मेनली यहाँ पे नियोलिथिक जो आर्टिफैक्ट्स पाए जाते हैं या फिर ग्रेट टेम्पर्ड जो है वेयर देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पे फिंगर टिप डेकोरेशन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है प्लेथोरा जो है टेम्पल के यहाँ पे काफ़ी नज़दीक पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पॉटरीज है नियोलिथिक टाइम के यहाँ पे और मेसोलिथिक टाइम के भी और लेटर स्टोन एज भी यहाँ पे उड़ीसा के ऊंचाई में देखने को मिलता है। दो बार पूछा गया है ऊंचाई के बारे में, 2016 और 2009 में। चिरनाग जो है 2013 में पूछा गया था, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है बिहार में नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर में। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्ट्रिक माउंड है यहाँ पे, जो कॉन्टिन्यूस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड है नियोलिथिक एज का।
लगभग 2500 से लेके 1345 बीसी तक। तो मेनली पाला डायनेस्टी जो है यहाँ पे जो रूल किया गया था यहाँ पे प्री मिडिवल पीरियड में, तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे पाला डायनेस्टी की भी इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकते। तो एक्सकेवेट जब किया गया था चिड़नाट को, यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे नियोलिथिक, चेल्कोलिथिक या फिर आयरन एज के सेटलमेंट मिले थे, और ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर देखें कि लोगों के जो हैबिटेट पैटर्न चेंज हुई थी यहाँ पे 2500 बीसी से लेके लगभग 300 AD तक। तो आज का चिड़नाट कुछ इस प्रकार दिखता है। उतनूर जो है यूपीएससी 2019 9 में पूछा गया था, सॉरी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में पाया जाता है। तो इसमें जो ऐश माउंड है यहाँ पे काफी सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उत्तर में। तो इसमें जो ऐश माउंड है मेनली इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा भी पल्लावोय जो आंध्र प्रदेश में है, कुप्पगल कर्नाटका में है, और कोडेकल जो कर्नाटका में है, उतनूर तेलंगाना में स्थित है। तो ये है उत्तर आज का। तो ये था हम लोग का एनालिसिस रिगार्डिंग नियोलिथिक साइट्स। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। जितना हो सके हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है जो साइट्स को डिस्कस करने के लिए। बाकी के जो भी साइट्स है आपको बुक्स में डिटेल में मिल जाएगी, क्योंकि देखिए कि पूरी की पूरी बुक को यहाँ पे एनालिसिस करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, पॉसिबल भी नहीं है। तो बुक आप जब देखेंगे, इनफैक्ट जब रिवीजन के टाइम में, आपको बुक से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रिवीजन। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।